केपलर डाटा का विश्लेषण करने वाले 2020 के एक अध्ययन ने गणना की कि आकाशगंगा 6 अरब पृथ्वी जैसे ग्रहों को शरण दे सकती है, जबकि एक अन्य गणना ने अनुमान लगाया कि हमारी आकाशगंगा ने संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों की संख्या लगभग 300 मिलियन माने 30 करोड़ है। हालांकि मार्च 2020 तक कुल 55 संभावित रहने योग्य एक्सोप्लैनेट पाए गए। आइए जानते हैं उनमें से कुछ प्लैनेट्स के बारे में। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, इट्स इम्पोर्टेंट टू टेल यू दैट वी हैव अ लॉट ऑफ लाइन ऑफ वीडियोस इन आवर चैनल फॉर प्लेलिस्ट लाइक कॉस्मोलॉजी, फाइनाइट और इनफाइनाइट, आर माइथोलॉजी, एक्चुअली ट्रूथोलॉजी, हिस्ट्री, जस्ट स्टोरीज और सर्मन एंड मेनी मोर, विच कैन फुलफिल योर डिजायर ऑफ बींग नॉलेजेबल एंड सेव योर मनी एंड टाइम स्पेंडिंग ऑन रीडिंग एंड चूजिंग द राइट बुक्स अमंग ट्रिलियंस। सो डू सब्सक्राइब एंड लेट अस हेल्प यू बींग द वाइजेस्ट अमंग बिलियंस। एक एक्सोप्लैनेट वो होता है जो हमारे सौर्य से परे कोई भी ग्रह है। अधिकांश अन्य सितारे की परिक्रमा करते हैं, लेकिन फ्री फ्लोटिंग एक्सोप्लैनेट जिन्हें दुष्ट ग्रह भी कहा जाता है गंगा केंद्र की परिक्रमा करते हैं और किसी भी तारे से जुड़े नहीं होते हैं। नासा के एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरेशन पेज के अनुसार 1995 में इस तरह की पहली दुनिया की पुष्टि सौर्य जैसे तारे की परिक्रमा करने के बाद से की गई थी। इनमें से आधे से अधिक खोज नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई थी, जिसे 2009 में एक मिशन पर लॉन्च किया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मिल्की वे गैलेक्सी में पृथ्वी जैसे कितने सामान्य प्लैनेट हैं। पहली सच्ची एलियन की खोज करना एस्ट्रोनॉट्स का एक लंबे समय से सपना रहा है। रिसेंट में एक्सोप्लैनेट खोज करने से पता चला है कि हमारे जैसे कई सारे छोटे संसार मिल्की वे गैलेक्सी में प्रचुर मात्रा में फैले हुए हैं। संभावित रूप से जीवन अनुकूल के रूप में प्राप्त करने के लिए एक ग्रह को अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में अपेक्षाकृत छोटा और इसलिए चट्टानी होना चाहिए, जिसे एक स्थान के रूप में पारिभाषित किया गया है जहां पानी दुनिया के स्तर पर तरल रूप में मौजूद हो सकता है। जब टेलीस्कोप प्रौद्योगिकी में सुधार होता है तो अन्य कारकों पर भी विचार किया जाएगा, जैसे कि ग्रह की वायुमंडलीय संरचना और उनका मूल तारा कितना सक्रिय है। जब अर्थ 2.0 रिमेन्स एल्यूसिव, हियर आर द क्लोजेस्ट नोन एनालॉग्स टू आवर होम प्लैनेट। आइए जानते हैं उनके बारे में। ग्लिस 667 सीसी। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के अनुसार ये एक्सोप्लैनेट जो पृथ्वी से सिर्फ 22 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से कम 4.5 गुना बड़ा है। ग्लिस 667 सीसी अपने होस्ट स्टार और केवल 28 दिनों में एक कक्षा पूरी करता है, और केवल वह तारा एक लाल बौना है जो सूर्य की तुलना में काफी ठंडा है, इसीलिए एक्सोप्लैनेट को रहने योग्य क्षेत्र में स्थित माना जाता है। हालांकि ग्लिस 667 सीसी जिसे चाइल्ड यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरीज के 3.6 मीटर टेलीस्कोप के साथ खोजा गया था। केपलर 22b 600 लाइट ईयर दूर है। यह अपने मूल तारे के रहने योग्य क्षेत्र में पाया जाने वाला पहला केपलर ग्रह था, लेकिन दुनिया पृथ्वी से काफी बड़ी है, हमारे ग्रह के आकार का लगभग 2.4 गुना है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह सुपर अर्थ ग्रह चट्टानी तरल या गैसियस है। केपलर 22b के 290 दिनों की कक्षा पृथ्वी के 365 के समान ही है। जैसा कि space.com ने पहले बताया था, एक्सोप्लैनेट हमारे सूर्य की तरह जी क्लास तारे की परिक्रमा करता है, लेकिन यह तारा पृथ्वी से छोटा और ठंडा है। केपलर 69c जो लगभग 2700 लाइट ईयर दूर है, पृथ्वी से लगभग 70% बड़ा है, इसीलिए एक बार फिर साइंटिस्ट इसकी संरचना के बारे में अनश्योर है। ये ग्रह 242 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। हालांकि केपलर 69c का हॉट स्टार सूर्य की तरह ही लगभग 80% चमकीला है, इसीलिए ग्रह रहने योग्य क्षेत्र में प्रतीत होता है। केपलर 62f नासा के अनुसार ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 40% बड़ा है और हमारे सूर्य की तुलना में एक तारे की परिक्रमा करता है। हालांकि इसकी 267 दिन वर्षीय कक्षा केपलर 62f को रहने योग्य क्षेत्र में पूरी तरह से रखती है, जबकि केपलर 62f पृथ्वी की तुलना में अपने में रेड ड्रॉफ तारे के करीब सूर्य की परिक्रमा करता है। तारा बहुत कम प्रकाश पैदा करता है।
केपलर 62F लगभग 1200 लाइट ईयर दूर है और अपने बड़े आकार के कारण संभावित चट्टानी ग्रहों की सीमा के भीतर है जो महासागरों को धारण कर सकते हैं। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि इन सभी एक्सोप्लैनेट के नाम में केपलर क्यों आता है। तो हम आपको बता दें कि केपलर एक स्पेस टेलीस्कोप है जो नासा द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया था और इसका नाम रखा गया था महान एस्ट्रोनॉट जॉनस केपलर के नाम पर। और ये सारे एक्सोप्लैनेट इसी टेलीस्कोप के द्वारा खोजे गए थे जिसके कारण इन्हें केपलर नाम से जाना जाता है, जिसकी सर्विस अक्टूबर 2018 में खत्म हो गई। केपलर 186F ये ग्रह पृथ्वी से अधिक 10% बड़ा है और यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में भी निवास करता प्रतीत होता है। हालांकि क्षेत्र के बाहरी किनारे पर केपलर 186F को अपने तारे से केवल एक तिहाई ऊर्जा प्राप्त होती है जो पृथ्वी को सूर्य से मिलती है। केपलर 186F का पेरेंट स्टार एक रेड ड्रॉफ है, इसीलिए विदेशी दुनिया एक वास्तविक पृथ्वी जुड़ाव नहीं है। ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 500 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है।